नहीं, सीट शेयरिंग का मामला विलंब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए इसकी कोशिश सब लोगों को करना चाहिए। और जो विलंब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बड़े नेताओं को बैठ करके एक साथ मिल बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए। तो सर आज ये किसके कारण हो रहा है? बैठ नहीं रहोगे लोग, बड़े नेता कहीं ना कहीं इंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिल बैठ नहीं, चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके मिल बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए, और जल्द से जल्द हल निकल जाए इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है? नहीं, जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिलकर के बैठ करके इसका हल निकाले। लगता है कांग्रेस ने कहीं उलझाया हुआ है, नहीं डीले तो हो रहा है ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। हम तो छोटे वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूंगा कि इसका निपटारा जल्द से जल्द मिल बैठ करके करना चाहिए, ताकि इंडिया गठबंधन और तेजी से काम कर सके, मैदान में फील्ड में लोगों के बीच में जा सके। सर सर क्या बात कर रहे हैं, आपके नेता इंडी गठबंधन, आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडी है या इंडिया स्पष्ट करें। अरे भाई ये बोलने में कुछ त्रुटि नहीं हो जाती है? अब हम ही बोल रहे हैं, सब बात में कुछ ना कुछ त्रुटि निकालिएगा तो निकल ही जाएगा, तो इतना मेन मिक मत निकालिए। जो भी हम लोग के नेता है, इंडिया गठबंधन हम सब लोग नेता जानते हैं, इंडिया गठबंधन में ही हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और आगे भी काम करें इसकी पूरी कोशिश है कि हम लोग सब मिलजुल के काम। भाजपा वाले इंडिया गठबंधन क्यों करते हैं? भाजपा वाले, अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कह रहा है? इधर चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले है न मंदिर जाने वाले है, दे दो राम दिला दो राम, और लोकसभा का सीट दिला दो राम का मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाए। का मॉडल देश में चलता है, यूपी का मॉडल नहीं चलता है देश में। जो बिहार करता है उसका अनुकरण दूसरे प्रदेश करते हैं, तो बिहार का अनुकरण करना चाहिए पूरे देश को कि हर लोगों को मकान चाहिए, हर लोगों को बिजली चाहिए, हर लोगों को पीने का शुद्ध पानी चाहिए। ये सारी चीजें जो बिहार करता है उसको मॉडल के रूप में आज पूरी देश की जनता पसंद कर रही है। अपनी सोच है, हम सब लोग, हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जिनको जहाँ पूजा करना है पूजा करें, जिनको जहाँ नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ें, जिनको माथा टेकना है वो माथा टेकें, जो कोई चर्च में जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। तो ये तो सभी धर्मों का संगम है बिहार, और इस संगम में जहाँ जो डुबकी लगाना चाहते हैं लगावेंगे, कोई एतराज नहीं है। सर एक सवाल है, सर एक सवाल है, फिर से वो तो इक्कीस को वहाँ झारखंड में हो रहा है और 24 को यहाँ होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रैली होगा। उत्तर प्रदेश में होगी, बनारस में भी होगी, क्यों नहीं होगी? पूरे देश में नीतीश कुमार जी घूम घूम के रैली करेंगे। सर एक सवाल है कि आखिरकार इसका क्या कारण? अच्छा, आप पहले बच्चा थे अब जवान हो गए, पहले बड़ा कैमरा रखते थे अब छोटा कैमरा ले रहे हैं, पहले आप बिहार से जिम्मे हम लोगों से लेते थे अब राजधानी में ले रहे हैं, इसमें क्या है? प्रमोशन नहीं होता है? प्रमोशन हुआ ना आपका? राम होगा कोई कारण कहा? अयोध्या में राम? अरे भाई, जब पूजा करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने के लिए किसी का नौता की जरूरत है? निमंत्रण मिला है, लेकिन आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं बार बार की गुलामी का प्रतीक है मंदिर। अरे जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए ना भाई। आप लोग कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी व्यक्ति का सम्मान करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संविधान दिया है, उसके हिसाब से सबका सम्मान करना चाहिए, और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब बाबा साहब के संविधान के साथ। समारोह में जाएंगे कि नहीं? अब उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर किसके बारे में क्या बता दें?
ये बात ये पूजा या अर्चना ये सब है निजी चीज है, तो निजी राय जो जाना चाहेंगे जो नहीं जाना चाहेंगे उनसे ना पूछिएगा। निमंत्रण मिला है किनको? अब हमारे पास सब पूरा रिकॉर्ड है बिहार देश भर का। निमंत्रण देने वाला कौन होता है? राम को हाईजैक कर रहे हैं। धन्यवाद। मोहन यादव आ रहे हैं बिहार में और एमवाई समीकरण की जो बात हो रही है। लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है? भाजपा की तरफ जाने की कोई संभावना है सर? सर क्या एनडीए से दोस्ती का अभी भी कोई संभावना है फिर से? जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके उसके बारे में आपको जानने की क्या ललसा? भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे तो टिकट तो एक ही देंगे वो, आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भगदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग? नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है वो खराब हो गया से बात जो है। सर, अरे भाई जीतन राम मांझी जी को कौन नोटिस ले रहा है? जहाँ वो गए हैं वहाँ वाले नोटिस नहीं ले रहे हैं, सब कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, तो बोलने दीजिए, उनका ये काम है और उम्र भी काफी हो गया है तो कुछ बोल बाल के अपने मन को शांति रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें? फरमास के बाद कहा जा रहा है कि कुछ होगा बिहार में, संभावना है फरमास के बाद है? आप ही लोगों को ज्यादा मालूम रहता है, हम लोग को जब निर्णय कुछ होता है उसके बाद खबर आती है। इंडिया गठबंधन में रह के काम कर रहे हैं, जब जब काम कर रहे हैं तो आपको संशय कहाँ लग रहा है? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं क्या कुछ? सीटों की गुत्थी उलझी हुई आप सुलझा लेंगे? जो सीट सही का समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। एक के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार लड़ेंगे और तभी भाजपा को 2024 में भाजपा से भारत मुक्त करेंगे। समझौता की बात से पहले आप लोगों ने पार्टी अपना अपना दावा करता है, इसमें कहाँ किसी को ऐतराज है? जब बड़े नेता बैठेंगे तो 16 पर लगेंगे कि 17 पर लगेंगे 18 पर लड़ेंगे, वो तो जब बैठेंगे उसके बाद तय होगा ना। बाहर में तो मैदान में जो कुछ भी आप लोग चला रहे हैं, कुछ नेता बोल भी देते हैं, कुछ आप लोग भी अपना जोड़ घटाव कर देते हैं, तो उसमें कहाँ बात है? वो तो जब मेल बैठ करके सारे चीजें का हल निकाले जाएंगे। 22 तारीख को छुट्टी उत्तर प्रदेश में करेंगे को लेकर? अरे भाई उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं ना चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, काबिले तारीफ है। और कई योजना के बारे में, घर घर में पानी पहुंचाने के बारे में, घर घर बिजली पहुंचाने वाले में देश का पहला राज बिहार है जहां हर घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और अभी अभी जो क्या बोलते हैं ये जाति आदि आधारित जो गणना हुई है, देश का पहला राज बिहार है जो जाति आधारित गणना कराया और देश में बिहार में कितने गरीब परिवार हैं, कितने लाचार परिवार हैं उसकी सूची बनाई। और बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना नौकरी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी योजना सरकार ने बनाई। जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए भी 94 लाख के आसपास सूची आई है। 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास झोपड़ी सिर्फ है और 5 साल में इनको देना है, उसकी योजना सरकार ने बनाई है और घोषणा भी कर दी गई है। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ये काम हम लोग पूरा करेंगे, 94 लाख लोगों को पक्का मकान देंगे। सर सवाल ये है कि क्या 22 तारीख